दोस्तों, वेलकम टू शोबी टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एलईडी बल्ब रिपेयर करना सिखाया था, ठीक है, और आज मैं आपको बिल्कुल न्यू एलईडी बल्ब बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम और कहाँ से जाके ये एलईडी बल्ब का सामान लेंगे, ठीक है, और इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो दोस्तों, ये 12 वाट एलईडी बल्ब का सामान है मेरे पास, ठीक है। ये इसकी एलईडी की जो चिप है वो है, ठीक है, करीब से देख लीजिए। ये 12 वाट यहाँ लिखा हुआ है, 12 वाट, ठीक है, ये 12 वाट वाली है। और ये इसका कंप्लीट सामान है, ये पिन हो गई, ये इसका होल्डर हो गया सारा। ये इसकी दो पिन होती हैं वायर, जिससे हम इसको अटैच करेंगे। इसमें सबसे इजी वर्क है, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि जो दोस्त में अहबाब जो हैं वो शहर में नहीं रहते, जो गांव साइड में, विलेज साइड में, उनको आसानी हो सके, जिनके पास आयरन नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एलईडी बल्ब बनाना सिखा रहा हूँ मैं। आप चाहें तो इससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं लो बजट के अंदर, कम से कम बजट के अंदर आप इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आप लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। ये मेरे पास 12 वाट एलईडी बल्ब का सामान है, 18 वाट का भी है। पहले हम 12 वाट का बनाएंगे, इसकी मुकम्मल तफसील में एंड में आपको बताऊंगा कहाँ से लेंगे, ठीक है, और कितना कॉस्ट आ रही है, सब कुछ, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि सब कुछ बताऊँगा मैं इंशाल्लाह आपको। और जो दोस्त वगैरह लेना चाहें कराची से बाहर, मैं भी कराची से हूँ, अगर कोई कराची से बाहर से लेना चाहिए मुझसे तो रब्ता कर सकता है, ठीक है, तो मैं उसकी बिल्कुल हेल्प करूंगा जितना हो सकेगा मुझसे। तो आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो चिप है ये है डायरेक्ट वाली, ठीक है, मैंने खुद घर में यूज़ भी की है, ये काफ़ी टाइम चला के भी देखी है और मेरी शॉप में भी है, मैंने चलाई है, बेहतरीन रिजल्ट है इसका, काफ़ी चलती है, मुझे ये पायदार लगी है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके अंदर पिन लगाएंगे और सोल्डरिंग आयरन से हमें कुछ भी नहीं करना। ये मैं एक आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, पिन ये बैक किया हमने, ठीक है, ये बैक करके हमने इसको पिन जो है इसमें इन करते हैं, ये हमने इन कर दी, देखे ये इसकी यहाँ से पिन बाहर आ गई, ये आ गई, अब ये बैक नहीं होगी इतनी आसानी से, ठीक है, बैक नहीं होती। अब यहीं से इसको निकाल लेंगे, बैक करेंगे तो ये बैक नहीं आती वापस, सबसे ज़बरदस्त काम इसके अंदर ये है, ठीक है। ये हम इसमें ये वाली भी मिलती है, ये आपको पूरा बंडल मिलता है, 120 रुपए का मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं ये, ठीक है, ये वहीं से मिलेगा जहाँ से आप परचेज करोगे, ठीक है। ये लगा दी हमने, ये भी लगा देते हैं इसके अंदर हम, ठीक हो गया, ये देखें, ये मैं इतनी ज़ोर से खींच रहा हूँ, ये निकल नहीं रही, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है, इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं, इसको भी ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, ये होगी हमारी कंप्लीट। अब हमने इसको लगाना है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल इजीली है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है, ऐसा घर में भी लगा सकते हैं, बना के आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एल्फी है, बस इसे एल्फी लगा लेंगे इसके अंदर ताकि ये हिले नहीं, लगाने जैसे रखनी है हमने, साइड में एल्फी लगा लेनी है, ठीक हो गया दोस्तों। ये लगा दी हमने इसके अंदर एल्फी, साइड में रख देते हैं। अब इसका जो है बिल्कुल ईजी वर्क है, इसके हमने जोड़ देंगे, ये जोड़ गया, हिलना जुलना कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसकी जो ये ऊपर का होल्डर पिन है, ठीक है, दो पिन लगेंगी जो हमने यहाँ लगाई है ना पिन, इसके अंदर जो निकल रही हैं, एक पिन यहाँ लगेगी इसकी वायर और एक यहाँ पर इसकी अटैच होगी। वो कैसे होगी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है। अभी ये थोड़ी बड़ी है, हम इसको ज़रा सा काट लेते हैं,
अच्छा इसमें मैं दोस्तों को बताता चलूं कि प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, कहीं अक्सर दोस्त जो है इसमें परेशान हो यार प्लस माइनस कहाँ लगाएं, आपको लाइन उसमें लिखी हुई होगी ठीक है ना, तो न्यूट्रल और एन और एल लिखा हुआ होता है ठीक है, उसमें आप कहीं भी लगा दें और इसमें भी कहीं लगा दें वो कोई मसला नहीं है ठीक है ना, न्यूट्रल और फेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये देखें ये वाली इधर आ जाएगी, एक कोई से भी हम लगा लेते हैं, हमने यहाँ से इसको ऐसे मोड़ देना है ठीक हो गया, ये इसकी जो है पिन हम इसमें लगाते हैं, बहुत हार्ड हो जाती है ये, थोड़ा सा जोर लगा के लगा दीगा, ये जोर लगा के हमने लगा दिए, ये निकलेगी ही नहीं जब तक हम इसको किसी चीज़ से निकालेंगे नहीं, ये नहीं निकलेगी, ये फिट हो गई है एकदम ठीक हो गया। अब बारी आई है इसकी दूसरी, ये वाली पिन की, हम इसको यहाँ इस तरह लगाते हैं ठीक है, और इसको ऐसे फिट करते हैं इसमें, यहाँ लगाना चाहे यहाँ लगा लें, वहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा लें, थोड़ी सी क्योंकि हार्ड तार होती है ना ये, तो इसलिए भी उठ रही है। ये देखो मैंने यहाँ लगा लिया इसको ठीक है, अब मैं इसको जो है थोड़ी एल्फी लगा देता हूँ, ये पंच हो रुक जाए, वैसे ये पंच होती है, इसकी मशीन आती है 2000 से 2500 रुपये की मशीन आती है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे उनके लिए तो लाजमी है ये, वो मशीन लें, बाकी जो दोस्त वगैरह जो घर में अपने ज़ाती यूज़ के लिए बनाना चाहें वो एल्फी लगा लें ठीक है। पंच कैसे होती है, पंच ये होती है देखें, इसमें आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे ठीक है, ये मशीन आती है वो इसको पंच करती है 2000 से 2500 रुपए की मशीन मिलती है, वो जो बिज़नेस स्टार्ट करेगा उसके लिए बेहतरीन होती है। ये हमारा हो गया सेवर तैयार 12 वाट का एलईडी तैयार हो गई हमारी, 12 वाट की एलईडी तैयार हो चुकी है, इससे पहले भी मैंने एक बनाई थी ठीक है, वो ये रखी हुई, ये अभी मैंने बनाई है, ये मैंने पहले बना के चेक कर ली थी, मैं आखिर में इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि इसकी कितनी रोशनी है ठीक है।